सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का जनवरी 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश शनि जो है एकादश भाव विराजमान है, तो इनकम फ्लो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सप्तमेश सूर्य के साथ एकादश भाव विराजमान होने की वजह से पार्टनरशिप या खुद का अगर बिजनेस है तो उसमें काफ़ी अच्छा इनकम फ्लो बना रहेगा। दूसरे घर में मंगल विराजमान है जो कि तीसरे भाव के स्वामी है और साथ में एकादश भाव के स्वामी है, तो धन में काफ़ी वृद्धि करवाएंगे मंगल और अपने रिश्तेदारों में आपकी मान प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश दूसरे घर में विराजमान होने के कारण इस महीने आप काफ़ी अच्छा सेविंग्स भी कर पाएंगे। तृतीयेश का दूसरे भाव में विराजमान होना ये थोड़ा खर्चों को दिखाता है, यानी कि कुटुंबियों के पीछे आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव के स्वामी शुक्र जो है वो नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में ही विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में किस्मत से कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बने हुए हैं या फिर आपके घर के रेनोवेशन में आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचमेश बुध जो है वो विराजमान है दशम भाव में, तो ऐसी अवस्था में अपनी बुद्धि बल से अपनी काम की जगह पर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा। छठे भाव में राहु विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में शत्रुओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके कंपटीटरों को इस महीने आप परास्त करेंगे। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश जो है वो एकादश भाव में विराजमान होने के कारण पत्नी के सहयोग से काम की जगह पर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, प्लस आपकी इनकम में भी वृद्धि हो सकती है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश बुध जो है वो विराजमान है दशम भाव में, तो काम की जगह पर कोई भी ऐसा मिस्टेक ना करें, कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना लें जिससे आपका काम खराब हो। नवम भाव में नवमेश शुक्र और चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। दशम भाव में गुरु और बुध विराजमान है, यानी एकादशेश अष्टमेश पंचमेश और साथ में द्वितीयेश होकर दशम भाव में विराजमान होने की वजह से इनकम का फ्लो जिस तरह से आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ कुछ पैसे फालतू के भी खर्च हो सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह के बड़े डिसीजंस को लेने से बचें। एकादश भाव में शनि और सूर्य विराजमान है तो कैश का फ्लो अच्छा खासा बनेगा, साथ ही साथ पत्नी का सहयोग तो मिलेगा ही। द्वादश भाव में केतु विराजमान है तो धर्म कर्म के कार्य में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर अगर आपका मूड तीर्थ स्थान घूमने का बना है तो ज़रूर जाइए। तो ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का जनवरी 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।